हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है बच्चों की तरफ से कि एनटीयू यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस में मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होगा या फिर कितने मार्क्स लाने पर हम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेकर काफी हद तक बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं कि देखो, एनटीयू यूजीसी नेट की कैटेगरी में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं दैट इज द 40%। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम पास करने के लिए 40% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। ऐसा आप सोच रहे हो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जैसा बोला गया है कि 40%, तो 40% इज द मिनिमम क्राइटेरिया कि अगर उतना आप लेकर आ गए तो एनटीयू यूजीसी नेट के नेट जेआरएफ की रेस में आप आ जाओगे। ठीक है, उसकी रेस में आप जो है वो आ जाओगे। इससे कम अगर आप आए तो इस रेस का पार्ट नहीं रह पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात कि ये तो आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं अगर आप नेट जेआरएफ की कैटेगरी में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, यानी कि उसमें एग्जाम में आप पास होना चाहते हो। उसके लिए फिर बाकी आप एग्जाम कितना पास करोगे ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आपके जो कट ऑफ रहेगा आपके सब्जेक्ट का। वो तो आप आराम से गूगल पर जाइए, गूगल पर आप कट ऑफ लिस्ट टाइप कीजिए कि कट ऑफ लिस्ट ऑफ जून 2023, आपको आसानी से मिल जाएगी। और उसमें आप देखिए कि आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना गया है। तो जितना भी आपका कट ऑफ गया होगा उसे 5% ऊपर या 5% नीचे ही कट ऑफ जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो उतना ही आपको टारगेट जो है वो बनाकर चलना है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना, तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ मार्क्स है उसके बेस पर आपका नेट जेआरएफ जो है वो डिसाइड होगा। सिर्फ 40% लाने से आप पास हो जाओगे ये वाला जो मिथ है ये अपने माइंड से बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दीजिए। बात कड़वी है पर सच्ची है कि सिर्फ 40% लाकर कोई पास नहीं होता है। 40% से आप एक क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे बट पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को, आपको उससे ज्यादा लाना पड़ेगा। सो चेकआउट योर कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, अपनी कट ऑफ लिस्ट को आप लोग चेक कीजिए और उसके बेस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना टारगेट कितना रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको आप स्टार्ट तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, थोड़ा सा बूस्ट दे दीजिए और दुगनी तिगनी तेजी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।